उत्तर प्रदेश के छात्रों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2024 जारी कर दिया है। इस साल सीतापुर की प्राची निगम ने यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा में टॉप किया। वहीं पर सीतापुर के ही शुभम वर्मा ने यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में पहली रैंक हासिल की। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2024 ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in और upresult.nic.in पर चेक किया जा सकता है। ऐसे में ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो परीक्षा में फेल हो गए। फेल हुए विद्यार्थी निराश ना हो। अगर कोई छात्र यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में फेल हो गया, फेल घोषित किया गया, तो वे अपनी कॉपियों की रीचेकिंग के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि आंसर कॉपी को रीचेक कराने से नंबर बढ़ सकते हैं और नंबर घट भी सकते हैं। अगर कोई छात्र या फिर छात्रा एक या फिर दो सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उस पेपर के लिए पुनर्परीक्षा यानी कि बैक पेपर दिया जा सकता है। बैक पेपर के लिए भी स्टूडेंट्स को फॉर्म भरना होगा, जिसका नोटिफिकेशन UPMSP की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल रिजल्ट 2024 में टॉप 10 स्टूडेंट में से 8 लड़कियां हैं। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी। वहीं यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में लड़कियों का पास प्रतिशत 88.42 रहा और लड़कों का 77.78%। उत्तर प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं दोनों के टॉपर सीतापुर से हैं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल टॉपर प्राची निगम और इंटरमीडिएट टॉपर शुभम वर्मा ने एक ही स्कूल से पढ़ाई की है। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं टॉपर 2024 सीतापुर में स्थित सीता बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महबूबाबाद से पास आउट है। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2024 घोषित होते ही स्कूल परिसर में जश्न का माहौल हो गया। यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट में प्राची निगम ने 98% और यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट में शुभम वर्मा ने 98.80% अंक हासिल किए। यूपी बोर्ड 10th के टॉपर्स के नाम आपको बताएं तो ये सारे टॉपर सीतापुर से हैं। प्राची निगम, नव्या सिंह, स्वाति सिंह और वैष्णवी। यूपी बोर्ड 12th रिजल्ट के टॉपर के नाम हैं शुभम वर्मा, राज वर्मा, कशिश मौर्या, शीतल वर्मा। ये चारों विद्यार्थी भी सीतापुर से हैं।